अभी अभी 10 मिनट पहले सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारी पेंशन योजना में बढ़ोतरी संभव है। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये होगी। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने की मांग की जा रही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर अभी अभी की बड़ी खुशखबरी, मिनिमम पेंशन पर हुई बड़ी चर्चा। आप सभी की मिनिमम पेंशन ईपीएस की जो 1,000 रुपये की राशि मिलती है, जिसे बढ़ाने को लेकर बहुत बड़ी खबर मिली है। तो अब आपको नई पेंशन कितनी मिलेगी, जिसको लेकर चर्चा हुई है, जिसके बाद पेंशन आपकी कितनी बढ़ेगी। ईपीएस 95 65 लाख पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर सीबीटी की मीटिंग में मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी चर्चा हुई, जिसके बाद आखिर क्या निर्णय लिया गया है और आपकी पेंशन ईपीएस की जो 1,000 रुपये की मिलती है, अब उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। और ईपीएस पेंशन पर सरकार का भी बड़ा ऐलान बताया जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने आपकी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही सीबीटी ने जो बैठक के अंदर क्या आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर यानी कि ऐलान किया, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर जो 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है 2014 के बाद, उसमें आपकी पेंशन जो 1,000 रुपये की है, उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी और पेंशन उसके खाते में कब भुगतान किया जाएगा। तो सारी जानकारी विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जो कि केंद्र सरकार से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, ईपीएफओ की जो पेंशन आपको मिलती है, जो ईपीएस पेंशन, वो 1,000 रुपये से बढ़कर की होगी 9,000 रुपये। जाने किसको मिलेगा इसका फायदा, यानी कि जो ईपीएस के वर्तमान में जो पेंशन धारक है, उन किन किन पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा और आपकी 9,000 रुपये की पेंशन आपके खाते में कब भुगतान किया जाएगा और इस अपडेट की आखिरी फाइनली अपडेट की सच्चाई क्या होने वाली है, किन पेंशन धारकों को मिलेगी पेंशन या फिर नहीं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो केंद्र की मोदी सरकार से बड़ी खबर मिली है। मीडिया रिपोर्ट अनुसार मोदी सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर के 9,000 रुपये कर सकती है। इनकी केंद्र की मोदी सरकार से इस तरह की बड़ी खबर मिली है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएस से जुड़े लोगों को जल्दी पेंशन के तौर पर 9,000 रुपये की मिनिमम पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। केंद्र सरकार कर्मचारी वसुंधरा संगठन की पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर को शानदार तोहफा देने की तैयारी में है। केंद्र की मोदी सरकार जल्दी आपकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। मोदी सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन जो 1,000 रुपये की मिलती है, जिसे बढ़ाकर के 9,000 रुपये कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएस से जुड़े जो लोग हैं पेंशनर से ईपीएस के, उनको जल्दी पेंशन के तौर पर सीधा ही 9,000 रुपये की मिनिमम पेंशन देखने को मिलेगी और जो ईपीएस के पेंशनदार के काफी लंबे समय से यानी कि इसी फैसले को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनकी पेंशन में कब बदलाव करेगी, तो फैसला सरकार जल्दी ले सकती है। इसको लेकर एक बैठक होने जा रही है सीबीटी की। तो फिलहाल अगर बता आपको दिया जाए कि जो आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सीबीटी की बैठक, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट मिली जिसमें कि सीबीटी की बैठक हुई, ऐसी भी जानकारी मिली है और साथ में एक और भी अपडेट मिली है कि एक सीबीटी की और बैठक होने वाली है, जिस बैठक में नए रेस कोड पर भी फैसला लिया जाएगा, इनकी फैसला होने वाला है। साथ ही बताया जा रहा है कि अहम बैठक का जो मुख्य एजेंडा रहेगा वो कर्मचारी पेंशन योजना के तहत जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनकी मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाना। तो आपकी जो 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है उससे बढ़ाकर के 9,000 रुपये कर सकती हैं केंद्र की मोदी सरकार, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर जानकारी को देखा जाए तो केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है, उन्होंने मौजूदा न्यूनतम पेंशन जो 1,000 रुपये की राशि मिलती है, जिससे बढ़ाकर के 9,000 रुपये तक केंद्र सरकार बढ़ाकर 1,000 रुपये की पेंशन को लेकर पेंशनर्स की मांग केंद्र सरकार लागू करे, लेकिन केंद्र की सरकार ने फिलहाल इसको लेकर कोई भी ऐलान जारी नहीं किया। आधिकारिक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की जानकारी मिली है, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी इसे बढ़ाकर के 6,000 रुपये कर सकती है। कहीं 3,000 रुपये को लेकर भी अपडेट देखने को मिल रही है। तो ईपीएफओ के पैसों को निजी कॉर्पोरेट बांड में निवेश करने का विवाद, इस पर मुद्दा भी बैठक में चर्चा का विषय होगा। तो फिलहाल अगर आपकी ईपीएस पेंशन की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की जानकारी मिली है, लेकिन केंद्र सरकार ने अधिकारी कोई भी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर ऐलान नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि 1,000 रुपये की जो पेंशन की राशि मिलती है, जिससे बढ़ाकर के केंद्र की मोदी सरकार 9,000 रुपये कर सकती है, जो कि पेंशनर्स की काफी लंबे समय से यही मांग है कि सरकार पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करे। तो वैसे में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट होने वाली है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी की पेंशन ओपीएस को लेकर, जो केंद्रीय कर्मचारी है जो एनपीएस की पेंशन को खत्म करने को लेकर मांग करे, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिले हैं। अगली बड़ी अपडेट मिली है जो कि ओपीएस को लेकर, जिसमें कि देश के 5 करोड़ कर्मचारी सीधे यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन तथा आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शुरू करने की नियमावली पर राजनीतिक दलों का रुझान जानने एवं वापने में लगे हैं। कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार रिटायर्ड होने के बाद उनके गुजर बसर की यानी कि पेंशनर्स के जीवन यापन की क्या गारंटी देगी। बेरोजगारी के आलम में ऐसी स्थिति है भी जिसमें अगर देखा जाए तो सैकड़ों कर्मचारियों के बच्चे उचित रोजगार की तलाश में, उन्हें उचित रोजगार नहीं मिल पाता था। ऐसे में उन
बच्चों का भरण पोषण के अलावा खुद और पत्नी के उपचार आदि का अंजाम पेंशनर्स है, जो कि बुढ़ापे के अंदर कहां से करेगा। वैसे में पेंशनर्स ने मांग की सरकार हमारी क्या गारंटी जो पेंशन को लेकर देगी, तो नई पेंशन योजना इतनी अच्छी होती तो जनप्रतिनिधि क्यों नहीं इसको ले रहे हैं। इनकी सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती कहते हैं कि नई पेंशन योजना इतनी भी अच्छी होती तो राजनेता इसे खुद क्यों नहीं अपनाते हैं। सांसदों के साथ ही विधायक विधान परिषद सदस्य सभी के लिए अब पुरानी पेंशन योजना ही है। वही 30 से 35 साल सेवा के बाद भी कर्मचारी इससे वंचित रह गया, इनकी जो पेंशन से जो 30 से 35 साल इसमें सेवा करते हैं जिसकी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पेंशन ओपीएस से वंचित किया गया है। पुरानी पेंशन की हर हाल में बहाली होनी चाहिए, इस तरह की पेंशनर्स ने मांग की है। तो पुरानी पेंशन मुद्दे पर मोदी सरकार ने भी बनाई है समिति। तो इंडियन पब्लिक सर्विस जो एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा कहते हैं कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की सरकारें अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे रही है। लगातार आंदोलनों के बाद पिछले साल केंद्र की मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए कमेटी यानी कि वेतन समिति का गठन किया था। कर्मचारी नेताओं से पुरानी पेंशन के मुद्दे पर समिति को जो रिपोर्ट तैयार होने में फिलहाल अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली कि रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, इसको लेकर वर्तमान में काम चल रहा है, ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बता रही है। और एनपीएस के तहत सरकारों जो यानी 14% का स्थान सरकार कर रही है और उतने ही सरकार पुरानी पेंशन में दे सकती है और इसे देने के लिए सरकार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं आएगा। इस मुद्दे से सीधे सीधे देश के करीब 5 करोड़ कर्मचारी जुड़े हुए ओपीएस से, उन सभी को इसका लाभ होगा। कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि शेयर बाजार में लगाने का विरोध किया जा रहा है। तो राज्य सरकार जो कर्मचारी है पेंशनर से जो राज्य के उनके लिए कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लेकर फिर से यानी ऐलान किया है और बाकी कुछ राज्यों के अंदर मांग की जा रही है। तो राज्य के जो कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरी किशोर तिवारी समय भाजपा के नेता बन गए थे और 2022 के विधानसभा चुनाव के समय सपा में थे और सपा के चुनावी एजेंडे में पुरानी पेंशन की बहाली को शामिल कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वो बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर बनाई गई कमेटी तेजी से अपना काम कर रही है। बीते 14 मार्च को इस कमेटी की एक आम बैठक हुई थी और यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी इस कमेटी के यानी कि कमेटी में अहम जिम्मेदारी मिली है। हरी किशोर का दावा कहना है कि जो नई पेंशन योजना में कर्मचारियों का पेंशन फंड शेयर बाजार में लगाए जाने का हर स्तर पर विरोध होगा। तो इसमें अगर बात करें विधानसभा चुनाव में सपा ने इसे बनाया था मुद्दा, तो यूपी में 2022 की जो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर बढ़त लेने का काम लिया गया और इसके बाद जो बावजूद भी सपा को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिली थी। इस बात दिगर है कि यदि यूपी के इस विधानसभा चुनाव में सपा को इसका लाभ मिला अथवा नहीं, इसे चुनावी परिणाम से देखा व समझा जा सकता है। सीटें 2017 से 47 थी जबकि इसके मुकाबले में 2022 में उसके सहयोगी रालोद व सुभाषन की सीटें बढ़कर के 125 तक पहुंच गई। तो इसके पीछे माना जा रहा है कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों का भी एक धारा सपा के साथ कराए, हालांकि इस बढ़त के कई और जातीय समीकरण भी शामिल थे। तो विधायकों के वेतन भत्ते में हुई 926% की वृद्धि। तो 50 के दशक में जो प्रदेश के राज्य कर्मचारी व इंटर के शिक्षकों का करीब वेतन 4500 से 55 के बीच में हुआ करता था, जो कि आज बढ़कर के 17000 के आसपास पहुंच चुका है। इसी प्रकार से कर्मचारी व शिक्षक के वेतन में करीब यानी कि 127% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार विधायक के वेतन भत्ते में जो 110 से 150 के आसपास मिलता था, जो कि आज बढ़कर के 1.25 लाख हो गया है, इसमें वेतन 25000 यानी कि बढ़ा है। तो इस प्रकार से जो विधायकों के वेतन भत्ते में एक अनुमान के मुताबिक करीब यानी कि 926 गुना की वृद्धि हुई, तो पेंशनर्स के जो वेतन भत्ते हैं उनमें 127% तक की वृद्धि हुई। तो ऐसे में पेंशनर्स के द्वारा फिलहाल मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने इस तरह का कोई भी ओपीएस को लेकर ऐलान जारी किया है या फिर ने इसकी कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है जानकारी, लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल इस फैसले को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की अपडेट होने वाली है।